क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है फंडा। वो क्या कह रहे हैं, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन दी शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो नीचे है सिलेंडर पाइप और उसके ऊपर रखी गई है कोन। जब कोन को आप रखोगे, मान लीजिए दो लकड़ियों को आपस में ज्वाइन कर दिया आपने, अब इसको आपको पॉलिश करना है। तो भाई पॉलिश करोगे एक तो ऊपर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पॉलिश करोगे इस वाले पार्ट पे मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा अब ये हम देखेंगे टॉप और बॉटम, बॉटम कैसा है, बॉटम देख लेते हैं जरा। ठीक है, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो कोन कोन देखो, नीचे पाइप पतला है और कोन जो है वो बड़ी है। तो अगर मैं यहां से इस वाले पार्ट को निकाल के दिखाऊं, यहां से यहां, तो कोन का ये जो सर्कल है वो बड़ा होगा जो बेस है, और ये जो पाइप लगाया है उस पाइप का डायमीटर छोटा होगा। कोन का जो डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर और जो सिलेंडर का है दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। कोनिकल जो है ये वाला, इसको ऑरेंज करना है, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, पाई की वैल्यू उन्होंने खुद बोल दी है कितनी, 3.1। अच्छा वुडन टॉय, अच्छा वुडन है तो देखो अगर वुडन है तो ऑब्वियस सी बात है पाइप नहीं होगा, ये क्लोज होगा। वुडन है तो यहां नीचे भी आपको पॉलिश करनी पड़ेगी। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। पहले कोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोन की। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी है भाई, देखो इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। मैं ऐसे रखूंगा 2.5 में रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि डेसिमल में क्यों जाना, डेसिमल में आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, तो चीजें फ्रैक्शन में रखो। उन्होंने डेसिमल हमसे रेडियस थोड़ी ना पूछी है, अगर रेडियस पूछी होती तो मैं इसको सॉल्व करके लिखता, समझ गए? तो हमेशा इसको ऐसे ही रखोगे, अगर ये 6 होता तो मैं डिवाइड कर देता क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, और भाई साहब हमें करना है इस पे पेंट, इसका मतलब मुझे निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी स्लांट हाइट की, किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट कैसे निकालते, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब जरा देखो एच की वैल्यू कितनी है भाई यहां पर, अब आप खुद देखो ना जरा भाई, ये है इसकी हाइट और यहां से यहां तक जो है वो डायमीटर मैंने पहले ही निकाल लिया है, और ये है इसकी स्लांट हाइट। तो हाइट है इसकी 6 का स्क्वायर और इसका जो बेस है वो पहले ही निकाल लिया, कितना, यहां पर 2.5 पुट कर देना क्योंकि यहां पर कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो रहा, तो इसका हो जाएगा 36 और इसका होता है 625, क्योंकि डेसिमल है तो 6.25 बन जाएगा। ठीक है, स्लांट हाइट इसको ऐड करो कितना आ जाएगा भाई, 42.25, कितना आ रहा है इसका आंसर देखना जरा, 6.5 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है इसलिए मैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वैसे करा दे रहा हूं, वरना आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब मैं बात करूंगा किसकी, इस पूरे एंटायर फिगर की। अच्छा कोन भी अभी रह गई है, ये हो गई किसकी बात, कोन की। अब बात करेंगे सिलेंडर की, तो रेडियस, रेडियस जो है इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, चलो इसको R1 ले लेते हैं, छोड़ो R1 ले लेते हैं, ये R1 है और ये H1 है। ठीक है, रेडियस इसकी, रेडियस को R2 से डिनोट करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पाइप है उसका डायमीटर दिया हुआ है 3, तो मैं इसकी रेडियस क्या लूंगा बताओ जरा, बस 3/2। ठीक है,
इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट को H2 से डिनोट कर रहा हूं मैं, हाइट इसकी टोटल कितनी है 26, और इस 26 में से आप क्या कोण को माइनस कर दीजिए। अब जरा देखो, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है एक तो येलो, इस इसको कैसे येलो से किया है, तो एक तो इसका निकालना है ऑरेंज का, मतलब के कोण का अलग से निकालना है, और सिलेंडर को किससे किया है येलो, तो इसको अलग से निकालना है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जरा इधर देखिए, एरिया ऑफ ऑरेंज, या फिर कोण लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कोण का कैसे निकलेगा, एक तो पाई आर एल मतलब कर्व सरफेस एरिया, और इसमें से मुझे ये वाला पोर्शन भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोन को करोगे तो पॉलिश करोगे तो इस नीचे से भी तो करोगे कोन को, इसका मतलब बड़े वाले सर्कल में से पाई आर वन का स्क्वायर में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, विच इज पाई आर टू का स्क्वायर। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा आर एल, ये आर वन है, आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। अरे भाई आ जा, यहां तक सब कुछ क्लियर है। पाई की वैल्यू 3.14 बोलिए शायद, आर की वैल्यू कितनी है इसकी 5/2, और स्लांट हाइट कितनी आई है 6.5, ठीक है। तो यहां पर 1.5 ही ले लो, 2.5 सॉरी 2.5, यहां पे R1 की वैल्यू कितनी है 5/2, और R2 की वैल्यू कितनी है 1.5, क्योंकि 3/2 करोगे तो याद आएगा। भाई फैन किसने ऑफ कर दिया, ठंड लग रही क्या, थोड़ा सा तेज करो थोड़ा सा। तो यहां पर आ गया जी 3.14, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 और 2.5 को, तो देखो 5 5s are 25 कैरी टू कितना 20.25 यार है ना, तो 20.25 आ गया। अगर आप ध्यान दो, इसमें दो तरीके हैं आपके पास, यहां पे दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि भाई इसका स्क्वायर अलग से कर लो और इसका स्क्वायर अलग से कर लो, वरना एक और भी तरीका है क्या, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ए प्लस बी और, लेकिन दोनों मल्टीप्लीकेशन होने चाहिए क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट सेम है तो आसान हो जाएगा करना, ठीक है। तो 3.14 ये आ गया 20.25, यहां पर जरा देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसको करोगे तो कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3.14, और दोनों को ऐड करोगे तो 24.25, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताओ जरा यार, बता दो फटाफट। हाँ इस पूरे को सॉल्व करके, क्यों भाई गलत बता दिया, 6 2 12 सही तो बता रही है, क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो, देख के बिना ही कर रहे हो। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है जरा देखो, अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर रहा था, ये पूरा सॉल्व करके आ रहा होगा 20.5, ऐसे मत करो यार। 5 5 का कितना हो जाएगा 25, और 6 5 30, 30 + 2 = 35, 2 5 10 कैरी 1 12, बेटा फिर कोई बीच में बोल रहे हो, मैं 16 यहां पे लिखने वाला था, जब आंसर लिखूं तब बताऊं ना। 6 2 कितना आ जाएगा 12 12 + 1 13, यहां पे 5, यहां पे 2, यहां पर 16, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 16.25 आ रहा है, ठीक है। और अभी इसको मैंने सॉल्व किया था तो 4 आ रहा था, ठीक है भाई, तो 16.25, और यहां पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखो 3.14 ये कितना आ रहा है 20.25, अब बताओ जरा इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है,
एरिया ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज मतलब वो वाला ऑरेंज नहीं जो एरिया पेंट करना, ठीक है, या फिर कोन, कोन इज कितना है, इसको सॉल्व कर आराम से, आराम से 63.585 सेंटीमीटर का है, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे भाई, इतना काम तो कर ही सकते हो। ये आ गया किसका, कोन वाला पोर्शन। अब कौन सा बचा है, अब बचा है जी सिलेंडर का पार्ट। अब अगर मैं सिलेंडर वाली बात करूं, ये किससे किया, व्हाइट से, एरिया ऑफ येलो, येलो लिख देते हैं, इसका मतलब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सिलेंडर में क्या क्या आएगा जरा ध्यान देना, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर इंटू एच, और नीचे का बेस विच इज पाई आर 2 का स्क्वायर। समझ आ रही बात या नहीं, तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, और आर भी तो कॉमन आ रहा है, ये आर टू है, और आर टू भी कॉमन आ रहा है, पाई और आर टू कॉमन आ रहा है, क्या बचा, एच टू प्लस आर टू, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, आर टू की वैल्यू कितनी है, 3/2, आर टू भी तो बचा है, और 2h, h की वैल्यू कितनी है भाई, 20, आर टू की वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 5, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3s are 21, कैरी 2, 3 5s are 15, और 2 17, और कैरी 1 4, और देखो 40 40 में ये ऐड करोगे तो 41.5, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 1.9 5 4.65 सेंटीमीटर ये आ रहा है जी। तो एरिया ऑफ सिलेंडर भी आप कैलकुलेट मतलब लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, एरिया फोर या ऑफ येलो या फिर सिलेंडर इज कितना है भाई, ये 1.95465, समझ आ रही बात या नहीं, इस तरीके से आपको करना है।